प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब का खाना है हाथ दो। Hey guys, welcome to my भाभी ब्लॉग, ममता चुफाल ब्लॉग। सो आज मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ भाभी के ब्लॉग की। सो आज हमारे घर में पूजा रखी गई है, तो सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम थोड़ी सी झलक आपको पूजा की दिखाएंगे। पहले उससे पहले हम भाभी और मामी से आपको मिलाते हैं। ये मामी हैं और ये भाभी हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये हैं भाभी और ये हैं मामी। प्लीज़ डिस्कस स्टार्ट करें, कुछ बोले। हाय फ्रेंड, ये है मेरी बहू। बहू लगती है, दो रिश्ते लगते हैं, मामी भी और दीदी। ये मेरे से मामी बोली, मैं बोली हूँ बहू बोल। और मैं आई हूँ आज मेरी ननद के घर। मेरी ननद की यहाँ पे बड़ी ननद है, उसके यहाँ पूजा है आज। घर है, पूजा कर रहे हैं घर है। तो ब्लॉग की स्टार्ट हमारी भांजी कर रही है आज मम्मा के साथ। और ये है हमारी बहू रानी। उसकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना आप लोग इसको बहुत। दोस्तों, आप लोग मामी और भाभी से मिल चुके हो, अब मैं आपको अपनी भतीजी से मिलाती हूँ। सानू से हाय। पहले बुई को, अब हम आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। चलो आपको मंदिर वाला रूम दिखाते हैं। दोस्तों, आपने पूजा वाला रूम देख ही लिया है, कैसे डेकोरेट किया गया है पूजा वाले रूम को। वहाँ पे पूजा की जा रही है। सो अभी यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे भाभी लोग खड़े हैं, मामी लोग खड़े हैं। अब हम आपको खाना खाने का थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। अगर यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है, थोड़ा सा टेंट वगैरह लगा रखा है ताकि प्रॉपर खाना बन सके, ज़्यादा धूप ना लग सके। तो आपको हम अपने दिखाते हैं थोड़े से नज़ारे, आप देख लीजिए। ये क्या बन रहा अंकल? अच्छा, सब मिक्स वेज। ओके, यहाँ पे सब्जी की प्रिपरेशन, खाने की प्रिपरेशन की जा रही है छोटे से उसमें। ये मामी और भाभी खड़े हैं। क्या दिखाऊं, ये मेरा घर है, इतना बड़ा फैमिली है। आपको बताओ क्या खा रही हो? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंजू। अंजू कौन है? मैं क्या लगती हूँ आपकी? तो क्या बोलोगी बताओ? मम्मा, मम्मा वो है। सानू दिखाओ इधर। गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और महादेव की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। 11-12 बजने अच्छे स्टार्टिंग हो चुकी है, अंजनी कर ले स्टार्टिंग। तो मैंने सोचा शिवरात्रि की बधाइयाँ दे दूँ आप लोगों को। तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और यहाँ पर आज है ग्रह पूजा और पूजा है आज चाची लोगों की। और यहाँ टेंट वेंट लगा है और खाना वाना बन रहा है। अभी गेस्ट लोग नहीं आए हैं, वो तो बाद में, क्योंकि पूजा लेट में होगी। वैसे तो आज सबका बर्थ तो होता है ना, तो लेट में होगी पूजा। हो जाए तो सभी आएंगे, शाम को ही होगा खाना वाना। तो अभी खाना बन रहा है। अंजनी सब दिखाई दी आप लोगों को, अंदर पूजा हो रही है वो दिखाई दी है। अरे खाना वाना, और मौसम बिल्कुल साफ है, खिली। ये लहसुन का पेस्ट नहीं, चटनी वटनी है ये। और
सब्जी कटी है ये रायते के लिए, और यहाँ पर जो भी सब्जी है वो सब्जी बन रही है, पनीर की सब्जी और मिक्स सब्जी। हाय दोस्तों, मैं आपको फिर से देखने को मिल रही हूँ। यहाँ पे दोनों भाभी काम कर रही हैं, उनको पानी लेके जाना है, तो मैं आपको सबको दिखाती हूँ। आंटी आंटी नमस्ते, पहले तो आंटी हाय बोलो। हाय, चलो चलो कैमरा लग गया भाभी ने। अब ये चली हैं अपना पानी भरने के लिए, और वो चली गई हैं अपनी अपनी बाल्टी को लेके। जिन लोगों ने हैंडपम्प नहीं देखा है वो देख लीजिए। पहले हमारे पहाड़ों में कहाँ होता है, नल होते थे। हाँ, ऐसे चलाती पहले, ऐसे ऐसे करके बड़ी मुश्किल से पानी निकाल पाती थी। अब चला, अब देख, ये देख सकते हो ये हैंडपम्प है, यहाँ से इसमें से पानी आता है। और तुम क्या कर रही हो सानू? अगर गिर जाओगे तो आप? और अंजू की यहाँ खेल हो रही है। वो कथा के दिन या पूजा वूजा के दिन लगाते हैं, ये सभी जगह लगाते हैं। पर आम के उनकी बात करें तो मौसम बहुत सुहावना, खिली खिली धूप है, गर्मी होने लग गई है यहाँ। और यहाँ पे एक झंडा है, मतलब निशान है, मतलब यार। और ये पीपल के पत्ते जू, और दीदी पूजा लगे हैं, और सानू भी हेल्प कर रही है। ये पूरे घर में लगाते हैं ना, पीछे भी लगाओगे? है ना, मेला लगाया तो लोग मेला देखने भी जा रहे हैं। अंजू पतली है ना, पतले होने का फायदा ये देखिए, जब यहाँ पे दोस्तों देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। बुरा नहीं, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्योंकि सभी मोटे मोटे हैं। एक ही अंजू पतली है तो देखिए, फिर अंजू का पेट लग रहा है। कोई बात नहीं, आज बर्थ भी है। और यहाँ से ये जाएंगे और उधर से वो निकालेंगे वो पीपल के पत्तों को, रस्सी में लपेट के रखे। और यहाँ पर चाची चाची दुल्हन बन रखी है, सानू चाची को दुल्हन दुल्हन बोल रही है सुबह से। गाना जम क्यों लग, मैं क्यों लगाऊं जम? मम्मा की फुट में लगी है। गिरेंगे तो आम के पत्ते और पीपल के पत्ते, ये पूरा पेड़ ही लेके आए आम का। हे दोस्तों देखो, ये थ्रेड उलझ चुकी है, तो यहाँ पे इसी बात पे बहस हो रही है कि ये उलझने, क्योंकि यहाँ से पार लेके जाना है हमें, तो कैसे लेके जाएंगे ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन ये थ्रेड उलझ गया है पूरे तरीके से। ये भाभी पीपल और आम के पत्ते लेके बैठी है। फिर वो गद्दा आ गया तेरा। आज लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपना ब्लॉग लाइक कर देना इनके ब्लॉग का। ये मेरा देवर है, छोटा सा देवर है ये मेरा, और मामा का लड़का है ये, देवर देवर है ये, क्यूट सा देवर है ये हमारे पंडित जी। पहले धागा फंसा के, अरे पूरा उलझ गया, दोबारा बाद में पड़ रही है। यहाँ पर लाइन लग गई है। से लगाते 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 ऐसे घुमाते घुमाते यहाँ पहुँच चुके हैं, और रह गए हैं दो ही लोग, अंजू चली गई है, अब दीदी और पूजा। अब पूरा यहाँ तक पहुँचाना है इसको, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे, तो यहाँ तक, यहाँ पे
नज़र लग जाती है, बल कोई बात नहीं डालेंगे, बहुत शर्मीली है। पूजा समाप्त होने के बाद यहाँ पे सब खड़े हैं, अभी इतने ही लोग हैं, मतलब यहाँ पे लकी फूल बांटते हुए, थैंक यू, और अंजू पंचमेवा। हाथ दो जल्दी ना, मैं नहीं खाती है। है? तो खाती नहीं हो तो सर में रखो ना, हाथ में लेना तो पड़ता है। थोड़ा सा भी खा दिया वो भी इसको। हाँ मौसी रेडी हो रही है यहाँ फल बांटने के लिए। अब कम्मू जो ढोलक लेके आते हुए, कुछ कहना चाहोगे? ढोलक कहाँ से लाए? होने के बाद यहाँ पे भजन की तैयारी हो रही है। और धूप ये दिख रहा है हल्का हल्का, और खाना वाना पूजा उजा होके कीर्तन भजन होके खाना वाना बना रहे हैं, और खाना थोड़ी लेट में ही होगा, सबका बढ़ता है तो थोड़ी देर में ही खाएंगे सब लोग, एक ही बार खाना हुआ। और धूप बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल पीला धूप जाने वाली है ना, तब ऐसे दिख रहा है। खाना और कुर्सियाँ लग चुकी हैं, ये कुर्सियाँ लग गए हैं, खाना बन रहा है। मैं आई हूँ ऊपर छत में, गेहूँ लेने, जन्म में गांव के लोग नहीं पहुँचे थे, थोड़े से हम ही लोग थे, फिर अभी आएंगे सभी लोग पूजा वूजा करके शाम को खाने के लिए। और मैंने सुखाया था यहाँ पे, गया था आज, अच्छे से फैलाया नहीं था क्योंकि इसको 3-4 दिन हो गए, धूप बहुत तेज आ रही है, स्टेज वाला किस दिन जी का खाना है। और चाची अभी आ रखे, चाची अभी घास से आए हो ना? हाँ घास से आके सीधे मुंह भी नहीं धोया भाई। कोई बात नहीं, स्मार्ट हो, अच्छे हो, सुंदर हो, मुंह मुंह भी नहीं धोओगे चलेगा, चलो फिर खा लो खा लो। ये रहा मेरा खाना, और सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे, है लोगों ने खाना मतलब लगभग लगभग खा ही लिया, थोड़े थोड़े बच रखे हैं, हम मेरा पूरी तरीके से हो गया। सानू के हाथ कितने ही ठंडे हो रहे सानू। ये जो इस प्रकार का खाना है ना वो बहुत कम मिलता है, तो केवल चुफालों के यहाँ मिलते हैं। चुफालों के यहाँ नहीं बोलेंगे, ये कह सकते हैं जो इस प्रकार का खाना है आज की डेट में बहुत कम मिलता है। आज की डेट में तो जितने आराम से खाएंगे उतना आनंद उठा पाएंगे खाने का, हाँ तो इसलिए धीरे धीरे खाया जा रहा है यहाँ। आप भी देख रहे हैं वीडियो को, कभी भी अगर खाना खाएं तो बहुत ही आराम से खाएं। ये देख सकते हैं आप लोग, लास्ट बचा है शायद ही, सब्जी अब्जी सब फिनिश हो गई इसमें, तो टेस्टी हो रहा है। ये देख रहे हैं खाने को तो बाद में देखें, लेकिन इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। हाँ धन्यवाद इतना कहने के लिए। सब लोगों ने खाना वाना खा लिया, पूजा आटा गूंथ दी है, अब घर के ही बचे चाची लोग,
तो हम बना रहे हैं रोटी। तो इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग।